अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं तो आप ऐसे मत आओ कि मैं फुल फ्लेज्ड, मेरे को यही काम करना है, मेरी यही जॉब है। नहीं, इनिशियली इट इज रिस्की। आपको YouTube को शुरू करना है पार्ट टाइम, याद रखिएगा, आपको YouTube को पार्ट टाइम शुरू करना है। मैं अपने काम के साथ साथ पहले YouTube करता था, पर जब YouTube पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तब जाके मैं फुल यूट्यूबर बना। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि मेरी अर्निंग पूरी तरह से YouTube से नहीं आती है। आई हैव ऑलमोस्ट 8 to 10 रिसोर्सेज जहां से मैं अर्न करता हूं, सो आई हैव अ बैकअप। आप पूरी तरह से इस पे डिपेंड होके प्लीज मत आइए। आपको शुरू में पार्ट टाइम से शुरू करना है कि ठीक है मैं अपना एक जॉब करता हूं या मैं अपनी पढ़ाई। कई लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि नहीं, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है, मैं तो अपनी पढ़ाई सब छोड़ रहा हूं, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। दैट इज वेरी बैड। आपको अपना पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे लिखोगे वो आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको यूट्यूब कर रहे हो पार्ट टाइम, दैट्स फाइन। पर अगर आप पूरा सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे चले गए हो, वो गलती कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम से धीरे धीरे शुरू करो। जब आपको लगे कि आप फुल्ली आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप यूट्यूब से अर्न अच्छा कर रहे हो और आपको लगता है आप सर्वाइव कर सकते हो, तब आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि YouTube को आपको पार्ट टाइम शुरू करना है, उसको फुल फ्लेज्ड नहीं। अपनी स्टडी नहीं छोड़नी, अपनी जॉब नहीं छोड़नी। आपको जब अच्छा लगे तब आप पूरी तरह से, अगर आप सेटिस्फाई हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो तभी आओ, अदरवाइज नहीं।